मंत्री जी का तर्क कुछ नहीं है, वो वितर्क, वो तर्कहीन इंसान है। वो कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। अरे कैसे बराबर, कैसे बराबर? वो कहते हैं कि कहते हैं कि विज्ञापन का कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, कैसे मतलब नहीं है? तूने विज्ञापन निकाले थे, तेरे विज्ञापन पर हमने फॉर्म भरे थे, तुम विज्ञापन कैसे बदल दोगे? कैसे बदल दोगे विज्ञापन? विज्ञापन अगर बदल गया, विज्ञापन अगर बदल गया तो कयामत आ जाएगा, कयामत। और मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि सरकार, सरकार ये भूल ना करे, मैं अच्छा काम करके, अनिल एक अच्छा काम करके नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन अगर सरकार ने मुझे जबरदस्ती धकेला तो गलत काम करके मैं नाम कमा लूंगा। रात भर हम लोग को नींद नहीं आती है। नीतीश कुमार का ऐसा बयान, शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान सुन करके, मेरिट और नॉन मेरिट एक है, बताइए नॉन मेरिट और मेरिट एक कैसे हो सकते हैं? यहाँ विधान बाबा साहब अम्बेडकर का चलेगा और विचार बापू का चलेगा। अगर कोई विधान और विचार चलाने की कोशिश की, उसे कुचल दिया जाएगा। फिर मुझे दोष मत देना कि अनिल ने कानून को अपने हाथ में लिया। पटना में दूसरा 7 शहीद मूर्ति बनाने की तैयारी कर लो और उसमें पहले मूर्ति मेरी होगी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार बरियारी कुर्सी में बैठे हुए हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये बरियारी नॉन मेरिट को मेरिट और दोनों इक्वल करने का काम कर रहे हैं। कभी इक्वल होगा? सोच लीजिए, बरियारी ना है नीतीश कुमार जी, इनके पास अब, इनको अब आराम की जरूरत है। इनके पास शिक्षा स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं है। पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश जी ने लगभग तकरीबन 1,00,000 निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है। निरक्षर मतलब जिसको अक्षर पहचाना नहीं आता है। आप लोग जाते हैं जब उनसे पूछते हैं, वैसे टीचर से संडे का स्पेलिंग बताइए, नहीं आता है। काउंटिंग नहीं आता है, जनवरी फरवरी नहीं आता है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया है। एसटीईटी शिक्षक लगातार जो है पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इनका लगता है कि तीसरा या चौथा प्रदर्शन होगा। आज ये लोग गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में हैं। जानेंगे क्या समस्या है, यही बताएंगे। सबसे पहले आपके चैनल को इस बात को उठाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। सर, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार घटना हुआ है, इस दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार घटना हुआ है कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन निकालती है और इस विज्ञापन के आधार पर परीक्षा होता है, विज्ञापन के अनुसार पे रिजल्ट निकाला जाता है और 5 दिन बाद रिजल्ट को खारिज कर दिया जाता है, विज्ञापन को खारिज कर दिया जाता है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अगर कोई अगर संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की और विधान और विचार चलाने की कोशिश की, तो यहाँ विधान बाबा साहब अम्बेडकर का चलेगा और विचार बापू का चलेगा। अगर कोई विधान और विचार चलाने की कोशिश की, उसे कुचल दिया जाएगा उसे। और सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि सरकार कान खोलकर सुन ले, मुझे आज तक बचपन से लेकर कोई भी पुलिस केस नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। लेकिन सरकार ये समझ ले, सरकार ये समझ ले कि अगर सरकार ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो मैं बिहार के 12 करोड़ महान जनता को और बिहार के बुद्धिजीवियों को ये कहना चाहता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना कि अनिल ने कानून को अपने हाथ में लिया। और दुनिया एक गवाह है कि जहाँ जहाँ संविधान की अवहेलना हुई है, वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। तो सरकार गलत रास्ते पर ना भेजे, मुझे ना भेजे, नहीं तो सरकार को हारना पड़ेगा। इसके लिए अगर मेरी बलि भी चढ़ाना पड़े तो बलि चढ़ा दूंगा। सरकार तैयारी कर ले, पटना में 7 शहीद का स्मारक है। पाटलिपुत्र की जो धरती है ना, ये आंदोलन की धरती है। चाहे जयप्रकाश की आंदोलन हो या फिर 7 शहीद का आंदोलन हो, ये आंदोलन की धरती है। और जब यहाँ 7 का शहीद का स्मारक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर विज्ञापन का पालन नहीं हुआ, अगर विज्ञापन का पालन नहीं हुआ, तो पटना में दूसरा 7 शहीद मूर्ति बनाने की तैयारी कर लो और उसमें पहली मूर्ति मेरी होगी, पहली मूर्ति मेरी होगी, ये मेरा ऐलान है। ठीक है, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उनसे आपकी बात हुई, उनका एक बयान आया था पिछले दिनों कि जो भी जिले हैं उसमें अब पीजी की पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है, और लगातार आंकड़े आते हैं कि शिक्षक की कितनी कमी है बिहार में, तो आप लोग कभी बात की? बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकारी काम कहीं अवैध होता है? अरे 200-400 लड़के इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करके हर साल एक विद्यालय से निकल रहे हैं। आप वहां जाकर के पता लगाइए, वहां एक शिक्षक है, यानी अवैध काम हो रहा है। बिहार सरकार का एक काम अवैध है, अवैध पे सरकार चलेगी?
सरकार वैधता से चलती है, सरकार सच्चाई पर चलती है। हमारा राष्ट्र का प्रतीक क्या है? सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, यही ना प्रतीक है। हम सत्यमेव जयते की रास्ते पर चलना चाहते हैं, सरकार असत्य के रास्ते पर चलना चाहती है। यहाँ सत्य और असत्य की लड़ाई है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार असत्य के रास्ते पर चलना चाहती है और हम सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं। और मैं पक्का यह चाहते हैं कि जब आप मंत्री जी से मिलने गए तो मंत्री जी का तर्क क्या था? मंत्री जी का तर्क कुछ नहीं है, वो वितर्क, वो तर्कहीन इंसान है। वो कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। अरे कैसे बराबर, कैसे बराबर? वो कहते हैं कि विज्ञापन का कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, कैसे मतलब नहीं है? तूने विज्ञापन निकाले थे, तेरे विज्ञापन पर हमने फॉर्म भरे थे, तुम विज्ञापन कैसे बदल दोगे? कैसे बदल दोगे विज्ञापन? विज्ञापन अगर बदल गया, विज्ञापन अगर बदल गया तो कयामत आ जाएगा, कयामत। और मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि सरकार सरकार ये भूल ना करे, मैं अच्छा काम करके, अनिल एक अच्छा काम करके नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन अगर सरकार ने मुझे जबरदस्ती धकेला तो गलत काम करके मैं नाम कमा लूंगा। निशान जी हैं, छात्र राजद से आते हैं। देखिए, सिर्फ ये एसटीईटी का मामला नहीं है, सरकार का जितना भी बहाली निकल रहा है वो लगातार नीतीश कुमार जी अपने जानने वाले लोगों को, शिक्षा मंत्री अपने जानने वाले लोगों को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अपने जानने वाले लोगों को बहाली में घुसा रहे हैं, और जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है उनके भविष्य के साथ। साथ साथ जो विद्यार्थी 10th में और 12th में पढ़ते हैं, अगर शिक्षकों की बहाली में धांधली होगी तो वो विद्यार्थी कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं? मेरिट वालों को अगर बहाली में नहीं लिया जाएगा तो कैसे समाज का और बिहार का विद्या विकास होगा? नीतीश कुमार जी आप बताइए। आप विपक्ष में है भाई, आप यहाँ का है बात बोले, विधानसभा में बोलिए। विधानसभा में लगातार बोला जाता है, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जी लगातार स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हैं। इस मुद्दे पे कभी बात हुई? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में बात उठाया। हमारे जो लोग है, 5-6 लोग की कमेटी है, तेज प्रताप यादव जी से मिल चुके हैं हम लोग, और तेजस्वी यादव जी से हम लोग कल मिलने का काम करेंगे। 5 तारीख के आंदोलन के जस्ट बाद हम, या 5 तारीख के आंदोलन में ही उनका उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे आंदोलन में शरीक होइए, क्योंकि सिर्फ ये नीतीश को सिर्फ ये स्टूडेंट का मुद्दा ही नहीं है, बिहार बचाने का मुद्दा है। अगर बिहार नहीं बचता है तो बिहार बचाने के लिए विपक्ष को आना ही पड़ेगा, संविधान बचाने। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे महिलाएं, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं बिहिया से आई हूँ। सरकार का ये तर्क कह रहे कि कोई तर्क ही नहीं कर रही सरकार, और आप लोग मेरिट धारी हैं, सरकार कह रही है मेरिट और अनमेरिट सब बराबर। राष्ट्र का निर्माता होते हैं शिक्षक, शिक्षक हम भविष्य के निर्माता होने वाले हैं। हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, जब स्कूल में मेरिट धारी जाएंगे तभी तो बच्चे आगे मेरिट लाएंगे, जब नॉन मेरिट जाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते हैं एक अच्छे राष्ट्र का बिना अच्छे टीचर, जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जाके सरकारी स्कूलों में देखिए क्या स्थिति है वहाँ की। हमारे अब हम लोग APJ अब्दुल कलाम को हम अपना आदर्श मानते हैं, और वो क्या बोलते थे, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। और हमारे देश में क्या हो रहा है, बैकबोन को साइड किया जा रहा है। जब तक हम लोग अच्छे मेरिट धारी को जब तक सरकार बहाल नहीं करेगी तब तक कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारे राज्य का निर्माण होगा? इसीलिए हमारी बस यही मांग है कि विज्ञापन को फॉलो किया जाए और विज्ञापन के मुताबिक ही हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, हम ये तो आपका जो आंदोलन है उस पर बात करेंगे। आप लोग आंदोलन में आते हैं, एक महिला भी हैं, आने जाने में जो परेशानी या घर पर क्या जो मानसिक रूप से जो तनाव है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया फिर भी जो है नियुक्ति नहीं हो रही है। जी सर, हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, रात भर हम लोग को नींद नहीं आती है। नीतीश कुमार का ऐसा बयान, शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान सुन करके, मेरिट और नॉन मेरिट एक है, बताइए नॉन मेरिट और मेरिट एक कैसे हो सकते हैं? बताइए 37,000 की बहाली होनी थी, अब विज्ञापन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति देना था। अब सरकार जो अपना चाल चल रही है 80,000 मेरिट नॉन मेरिट को घुसा करके 80,000 की सीट दे दी है, और उसके बाद जो है कि अब हम लोग को नियोजन में भेज रही है। हमको सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को नियोजन में नहीं जाना। महिला लोग इतना मेहनत करके कोरोना काल में एग्ज़ाम दिए हैं, फिर जाकर एक बार एग्ज़ाम दिए तो कैंसिल हुआ, दोबारा फिर एग्ज़ाम दिए, बहुत हम लोग परेशानी उठा चुके हैं। अब हम धक्का मुक्की खाने नियोजन में नहीं जाएंगे, जो नोटिफिकेशन के अनुसार हमारा बात था वही उसी के अनुसार हमारा नियुक्ति होना चाहिए, डायरेक्ट नियुक्ति हम सरकार से चाहते हैं।
और कोई कोई बोलना चाहते हैं क्या बोलने? जिस प्रकार से नीतीश कुमार बरियारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये बरियारी नॉन मेरिट को मेरिट और दोनों इक्वल करने का काम कर रहे हैं। कभी इक्वल होगा सोच लीजिए? बरियारी ना है नीतीश कुमार जी, इनके पास अब इनको अब आराम की जरूरत है, इनके पास शिक्षा स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, जीता हुआ विधायक ना मंत्री बनता है, हारा हुआ विधायक मंत्री बनता है। हम लोग परीक्षा दे करके अच्छे नंबर लाए तब मेरिट में आए हैं, तो हम लोग को शिक्षक बनना चाहिए ना। अगर हम लोग मेरिटधारी लोग अगर बिहार के स्कूल में जाएंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दशा और दिशा बदल देंगे। आप लोग और पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश जी ने लगभग तकरीबन 1,00,000 निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है। निरक्षर मतलब जिसको अक्षर पहचाना नहीं आता है। आप लोग जाते हैं जब उनसे पूछते हैं वैसे टीचर से संडे का स्पेलिंग बताइए, नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आता है, जनवरी फरवरी नहीं आता है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया है। आप मैं एस्टेट 2019 की छात्रा हूं और मेरिट लिस्ट में हूं, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो विज्ञापन जो विज्ञापन सरकार ने निकाली है उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे मेरिट में आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, उनको प्राथमिकता देना सरकार का पहला कर्तव्य है। और अगर सरकार मेरिट बराबर नॉन मेरिट कर रही है तो सरकार बहुत ही हम लोगों के साथ गलत कर रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। हमारे नीतीश कुमार जी, आप जैसा कि जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया हुआ था कि जो बीपीएससी से हेडमास्टर की बहाली होगी, हम ये नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, एक तरफ आप गुणवत्ता पूर्वक बहाली करने के लिए हेडमास्टर की बहाली बीपीएससी से करना चाहते हैं, और क्या टीचर नॉन मेंटोरियस लाएंगे कि टीचर को भी आपको मेरिट से ही लाना होगा बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए और उन बच्चों को सुधारने के लिए? तो हम नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं, करते हैं कि हम मेरिट वालों को जितना जल्दी से जल्दी तत्काल नियुक्ति दिया जाए। ठीक है, नेता थोड़ी बनना है भाई, मेरिट है इन लोग के पास, उसके बावजूद जो है नियुक्ति नहीं। अगर नेता बनना रहेगा तो अंगूठा छाप भी रहिएगा तो बिहार में आप मंत्री भी बन सकते हैं, भले कुछ साइन करने भी नहीं आए। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरिट लिस्ट धारी हैं, कोई अपने बच्चों को लेकर आई हैं, महिला आई हुई हैं, और भी लोग परेशान हैं। लेकिन जो विजय चौधरी जी हैं वो कहते हैं कि अब हम जिला वाइज पीजी का पढ़ाई करेंगे, पहले यहाँ परीक्षा जो यहाँ जो टीचर है उसको तो सही से नियुक्ति कीजिए, तीन साल का बीए जो 5 साल में करा रहे हैं उसको तो सही कीजिए। यह है बिहार का सुशासन। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।